सरकार की तानाशाही ए लगती है कि यह हुण इलाही हुक्म है तो इनू मनना ही पैणा, पर अजिहा है नहीं। जिहड़ा कि पहले पंजाब लुटिया पिया, रहिंदी गल कि भाखड़ा ब्यासमेंट जिहड़ा बोर्ड है मैनेजमेंट उहदे ते जिहड़ा एक मैंबर हुंदा सी पंजाब दा उहनू भी कटता। अमित शाह जिहड़े कि गृह मंत्री ने इंडिया दे, उह आए ते आ के इह भी कह गए कि जिहड़े पंजाब ते हरियाणा दे 40-60 दा 60 पंजाब दे ते 40 हरियाणे दे इंपलाइज होणगे चंडीगढ़ च, ज्यों दा चंडीगढ़ बनिया 1966 तो लैके उहदे ते भी डाका मारता। सारियां पावरां जिहड़ियां ने उह सूबियां दीआं घटाईआं जा रहियां ने, खासकर पंजाब दी जिहड़ी लाइफ लाइन है पाणी, उहदे ते डाका मारता। हुण जेकर चंडीगढ़ च वसदे पंजाब दे लोकां नूं तुसीं सेंट्रल रूल्स दे थले लियाओगे, उहदे विच तां इह कंडीशन ही नहीं होएगी कि तुसीं पंजाबी 10वीं तक करो या ना करो, ये कंडीशन ही नहीं होनी है। इहदा मतलब तुहानूं होर ज़्यादा अपनी जुबान तो परां धक्क रहे ने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही जरूरी गल्लां वल आप मुहारे ध्यान चला जांदा है जदों साढ़े घर ते हर रोज़ एक नवां डाका पैंदा है ते पंजाब दे लोक इकट्ठे हो के अपने आप नूं असमर्थ समझदे ने कि वह कुछ कर सकते ने। हर गल सरकार दी तानाशाही ऐ लगती है कि यह हुण इलाही हुक्म है तो इनू मनना ही पएगा, पर अजिहा है नहीं। खासकर पंजाब दे लोकां वास्ते अजिहा कोई भी नहीं जिहड़ा वह कर ना सकन ते जिहदे बारे वह विश्लेषण ना कर सकन। जिस तरह 20 तरीक नूं 20 फरवरी नूं वोटां पईआं ने, वोटां तो बाद पहला नहीं बाद उन्होंने पानियां दे मामले दे विच जिहड़ा कि पहले पंजाब लुटिया पिया, रहिंदी गल कि भाखड़ा ब्यासमेंट जिहड़ा बोर्ड है मैनेजमेंट उहदे ते जिहड़ा एक मैंबर हुंदा सी पंजाब दा उहनू भी कढ़ता। पंजाब दी पुलिस भी उत्थों कहती भी सिक्योरिटी दा मामला है। उस तो बाद कल अमित शाह जिहड़े कि गृह मंत्री ने इंडिया दे, उह आए ते आ के इह भी कह गए कि जिहड़े पंजाब ते हरियाणा दे 40-60 दा 60 पंजाब दे ते 40 हरियाणे दे इंपलाइज होणगे चंडीगढ़ च, ज्यों दा चंडीगढ़ बणिया 1966 तो लैके उहदे ते भी डाका मारता कि हुण जिहड़ा पैटर्न है उह सेंटर वाला लागू होएगा चंडीगढ़ के मुलाजमान के उपर। सो पंजाब के नाल नाल हरियाणे के भी हक खत्म करते। सो एक एक करके सारिया पावर जिहड़ियां ने वह सूबियां दीआं घटाईआं जा रहियां ने, खासकर पंजाब की जिहड़ी लाइफ लाइन है पाणी उहदे ते डाका मारता। हुण जेकर चंडीगढ़ च वसदे पंजाब के लोगों नूं तुसीं सेंट्रल रूल्स के थले लियाओगे, उहदे विच तां इह कंडीशन ही नहीं होएगी कि तुसीं पंजाबी 10वीं तक करो या ना करो, ये कंडीशन ही नहीं होनी है। इहदा मतलब तुहानूं होर ज़्यादा अपनी जुबान तो परां धक्क रहे ने। ये किसी योजना के तहत हो रहा है? मैं फिर अते फिर बार बार बेनतियां करदा कि पंजाब दे लोको अपने सारे शिकवे परां छड के अपनी होंद की लड़ाई जिहड़ा अजोके समय दे विच दीप सिद्धू सानू समझा गया थोड़े समय च ही, ते ज़्यादा पहला बहुत वधिया तरीके दे नाल सन जरनैल सिंह जी भिंडरां वाले सानू समझा गए सी, जिहड़ी लैंड नू लै के
उन्हां दी शहादत तो बाद सरदार सिमरनजीत सिंह मान ते उन्हां दी पार्टी श्रोमणी अकाली दल अमृतसर ये पहरा दिंदे आ रहे सी। ये तीन शख्सीयतां दी तुसी नहीं सुन रहे, ना समय सिर सन जरनैल सिंह जी दी सुनी है, ना पिछले 37 साल तो खासकर 32 साल तो सिमरनजीत सिंह मान ते उन्हां दी पार्टी दी सुनी है, ते ना हुण जिहड़ा दीप सिद्धू दी सोच ते पहरा देंगे ठोक के, वह भी मैनूं लगदा थोड़े चिर बाद यह भी भुल जाऊंगे, क्योंकि जो पिछलियां भुल गए तो यह भी भुल जाऊंगे। पर इहदा सिट्टा की निकलना है? सिट्टा यह निकलना है कि हजे कल दी गल है, जम्मू कश्मीर नूं तोड़ के तीन हिस्सों च लद्दाख, जम्मू ते कश्मीर तीन हिस्से करते, हुण पंजाब दे किहड़े तीन हिस्से होने ने, जां चार हिस्से होने ने, जां इस तों वध होने ने, जां इहनां नूं बाकी स्टेटां विच मर्ज करना है, इस तरह का कोई मनसूबा साफ दिसण लग गया। सो मैनूं तां लगदा नहीं है कि पंजाब दे लोक अपनी सभ्यता तो बिना, अपने सिखां दे धर्म तो बिना, अपनी पंजाबी सभ्याचार तो बिना, अपनी होंद तो बिना जिउंदे रह जाणगे, ये मैनूं बहुत मुश्किल लगता है। पर अज जिहड़ा समां बचिया है उहदे विच अपने हक लैण लई एक परमानेंट मोर्चे की लोड़ बिल्कुल बरूहां ते है। असीं कोशिश करांगे, पूरी कोशिश करांगे कि वध तो वध धिरां जिहदे चों माइनस होणगियां पंजाब नाल धोखा करन, गदारी करन ते मुल वटण वालियां धिरां बादल, कांग्रेस, भाजपा ते आप नूं क्यों कहने आ, आप दा दिल्ली दा कार्यकाल असीं देखिया, जो घट गिणतियां नाल CAA ते NRC दे विच इन्हां ने कीता उह इत्थे करनगे। इसलिए कह रहे हां 5 MP चुणते राज्यसभा दे, पंजाबी सभ्या नाल सभ्यता नाल संबंध रखण वाला एक भी नहीं उहनां चों, होर किहड़े फैसले करवाउणे ने, इहो जिहे अगे होणगे। अज भगवंत मान जी ट्वीट करके समझण कि पंजाब दे हक वापस आ जाणगे, इदां नहीं आना CM साहब, तुहानूं अगे हो के मते अपनी विधानसभा दे विच पास करने पैणे ने, उहदे ते लामबंदी करनी पैणी है। असीं बिना शर्त तुहाडे नाल चलण नूं तैयार हाँ, जेकर तुसीं गुरु ग्रंथ साहब जी दी बेअदबी करन वाले बादल, उहदा पुत सुखबीर ते DGP सैणी नूं वी डेरे सिरसे वाले साध वांग तुसीं चलान विच नामजद करोगे, असीं तुहाडे नाल हाँ। बाकी सारियां गल्लां जरूरी ने, जो तुसीं कहिंदे हो कि इह कर दांगे जां उह कर दांगे, उह चंगी है, पर जिहड़ियां मुढलियां चीज़ां ने, जिवें तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बेअदबी दी गल शुरू कीती है, उहनूं निरंतर कंप्लीट करो, फिर असीं उस लिस्ट चों जिस लिस्ट च बादल, कांग्रेस ते भाजपा ने, तां असीं आप नूं फिलहाल माइनस कर सकते हाँ, जे तुसीं कंप्लीट डिसीजन इंसाफ दा दोगे गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बेअदबी ते दो साडे जिहड़े सिंघ शहीद होए ने जां जख्मी होए ने उन्हां दे उत्ते कार्रवाई करोंगे। तो बाकी समा 5 साल का रहिंदा है, वो टाइम टू टाइम कहांगे, अज पहलां तो नहीं कहिंदे, पहलां तो जिहड़ा तुसीं गलत कीता 5 राज्यसभा दे जिहड़े चुने ने MP उन्हूं गलत ही कहांगे, तो ठीक कहांगे जिहड़ा एक तुसीं कीता है डेरे सिरसे वाले साध नूं नामजद कीता है, पर नाल ही बादल सुखबीर बादल ते DGP सैणी नूं जे तुसीं नामजद करोगे, असीं तुहानूं उस लिस्ट चों कढ के तुहाडे नाल हर उस गल दा साथ देवांगे जिहड़ी पंजाब दे भले वास्ते, कौम दे भले वास्ते होएगी। पाणियां बारे लड़ाई लड़ो, असीं तुहाडे नाल रलांगे। जुबान बारे, पंजाबी जुबान बारे लड़ाई लड़ो, असीं तुहाडे नाल लड़ांगे। पंजाबी बोलदे इलाकियां बारे लड़ाई लड़ो, असीं तुहाडे नाल चलांगे।
चंडीगढ़ की जिहड़ी अज साडा अधिकार खत्म किया है इहदी लड़ाई लड़ो, असीं तुहाडे नाल चलांगे, बिल्कुल पिछे नहीं हटांगे। सो मेरा कहा अर्थ भरपूर्ण तौर पर, अर्थ के तौर पर, मीनिंगफुल के तौर पर समूह दुनिया भर च रहिंदे पंजाबी ते सिख इहनूं समझण, ते आउण वाले समें च जिहड़ा बरगाड़ी मोर्चा असीं लाया होया है, जे उत्थे इंसाफ नहीं मिलदा असीं उहदे च वादा करके उहदे नाल नाल होर मंगां नूं ऐड करके पंजाब पद्धर दा मोर्चा लाउण लई मजबूर होवांगे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਐਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਨਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ ਪਿਆ, ਰਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਆਏ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 40-60 ਦਾ 60 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ 40 ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਜਿਉਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਿਆ 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਤਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਰੂਲਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਭਰਾ ਧੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਪਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਊਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਊਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ? ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਲੱਦਾਖ,
जम्मू ते कश्मीर तीन हिस्से करते हुण पंजाब दे किहड़े तीन हिस्से होने ने जां चार हिस्से होने ने जां इस तों वध होने ने जां इन्हां नूं बाकी स्टेटां विच मर्ज करना है। इस तरह का कोई मनसूबा साफ दिसण लग गया। सो मैनूं तां लगदा नहीं है कि पंजाब दे लोक अपनी सभ्यता तो बिना अपने सिखां दे धर्म तो बिना अपनी पंजाबी सभ्याचार तो बिना अपनी होंद तो बिना जिउंदे रह जाणगे। ये मैनूं बहुत मुश्किल लगता है, पर अज जिहड़ा समा बचिया है उहदे विच अपने हक लैण लई एक परमानेंट मोर्चे की लोड़ बिल्कुल बरूहां ते है। असी कोशिश करांगे, पूरी कोशिश करांगे कि वध तो वध धिरां जिहदे चों माइनस होणगियां पंजाब नाल धोखा करन गदारी करन ते मुल वटण वालियां धिरां बादल कांग्रेस भाजपा ते आप नूं क्यों कहने आ, आप दा दिल्ली दा कार्यकाल असी देखिया जो घट गिणतियां नाल CAA ते NRC दे विच इन्हां ने कीता उही इत्थे करनगे। इसलिए कह रहे हां 5 MP चुणते राज सभा दे पंजाबी सभ्या नाल सभ्यता नाल संबंध रखने वाला एक भी नहीं उन्हां चों। होर किहड़े फैसले करवाउणे ने, इहो जिहे अगे होणगे। अज भगवंत मान जी ट्वीट करके समझण कि पंजाब दे हक वापस आ जाणगे, इदां नहीं आना। CM साहब तुहानूं अगे हो के मते अपनी विधानसभा दे विच पास करने पैणे ने, उहदे ते लामबंदी करनी पैणी है। असीं बिना शर्त तुहाडे नाल चलण नूं तैयार हाँ। जेकर तुसीं गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी करन वाले बादल उहदा पुत सुखबीर ते DGP सैणी नूं भी डेरे सिरसे वाले साध वांग तुसीं चलान विच नामजद करोगे, असीं तुहाडे नाल हाँ। बाकी सारियां गल्लां जरूरी ने, जो तुसीं कहिंदे हो कि ये कर देंगे जां वह कर देंगे वह चंगी है, पर जिहड़ियां मुढ़लियां चीज़ां ने जिवें तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की गल शुरू की है उन्हों निरंतर कंप्लीट करो, फिर असी उस लिस्ट चों जिस लिस्ट च बादल कांग्रेस ते भाजपा ने तो असी आप नू फिलहाल माइनस कर सकते हैं। जे तुसीं कंप्लीट डिसीजन इंसाफ का दोगे गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी ते दो साढ़े जिहड़े सिंह शहीद होए ने जां जख्मी होए ने उन्हां दे उत्ते कार्रवाई करोंगे, तो बाकी समा 5 साल का रहिंदा है, वह टाइम टू टाइम कहांगे। अज पहलां तो नहीं कहिंदे, पहलां तो जिहड़ा तुसीं गलत कीता है 5 राज सभा दे जिहड़े चुने ने MP उन्हूं गलत ही कहांगे, तो ठीक कहांगे जिहड़ा एक तुसीं कीता है डेरे सिरसे वाले साध नूं नामजद कीता है। पर नाल ही बादल सुखबीर बादल ते DGP सैणी नूं जे तुसीं नामजद करोगे असीं तुहानूं उस लिस्ट चों कढ के तुहाडे नाल हर उस गल दा साथ देवांगे जिहड़ी पंजाब दे भले वास्ते कौम दे भले वास्ते होएगी। पाणियां बारे लड़ाई लड़ो, असीं तुहाडे नाल रलांगे। जुबान बारे पंजाबी जुबान बारे लड़ाई लड़ो, असीं तुहाडे नाल लड़ांगे। पंजाबी बोलदे इलाकियां बारे लड़ाई लड़ो, असीं तुहाडे नाल चलांगे। चंडीगढ़ की जिहड़ी अज साडा अधिकार खत्म किया इहदी लड़ाई लड़ो, असीं तुहाडे नाल चलांगे, बिल्कुल पिछे नहीं हटांगे। सो मेरा कहा अर्थ भरपूर्ण तौर पर, अर्थ के तौर पर मीनिंगफुल के तौर पर समूह दुनिया भर च रहिंदे पंजाबी ते सिख इहनू समझण, ते आउण वाले समें च जिहड़ा बरगाड़ी मोर्चा असीं लाया होया है जे उत्थे इंसाफ नहीं मिलदा असीं उहदे च वादा करके उहदे नाल नाल होर मंगां नूं ऐड करके पंजाब पद्धर दा मोर्चा लाउण लई मजबूर होवांगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ताज़ा खबरां ते नवीं जानकारी भरपूर वीडियोज़ वेखण लई सबसक्राइब करो साडा YouTube चैनल प्राइड पंजाब TV, तो साडा Facebook पेज प्राइड पंजाब TV नूं फॉलो जरूर करो ते नाल ही नाल इस नूं लाइक भी कर लवो।